Now, days after Tanisha's mother leveled sensational charges against Shehzad's family, saying there was a bid by Shehzad's family to convert her, etc., Shehzad's family now has finally spoken up. They've held a press conference responding to every allegation made against Shehzad and the family members. And as they speak extensively, Shehzad's mother says that her son never slapped Tanisha, and that Tanisha was like a family member to their family. In fact, after Tanisha's mother alleged a conversion bid here, Shehzad's sister clarified, saying that Tanisha wore the hijab because the show Dastane Kabul, Alibaba, that the two of them were in, demanded a scene where Tanisha wear the hijab. It was not Shehzad who forced her to wear the hijab. And also, all claims about Shehzad taking her to a dargah are absolutely false, is what Shehzad's family has now said while they come out to hold a press conference. Not only his family, but Shehzad's lawyer has also made some explosive claims. Shehzad's lawyer there, as we see on our screens, has alleged that Tanisha's mother interfered with Tanisha's life so much to a point where she also used to abuse Tanisha. She also broke Tanisha's phone at one point and forced her to work so that money comes in. In fact, attacking her uncle, who's been speaking on this case as well, Shehzad's family now saying that Tanisha's uncle used to mistreat Tanisha and she used to fear him quite a lot. Shehzad ne Tanisha ke saath jo kiya, पहले उसके साथ फ्रेंडशिप की, दोनों का था, आना जाना भी घर पे बुलाना, वो आ जाता था मेरे को. उसने बताया, मम्मा मेरे को शिजान से है और शिजान भी मेरे से करता है. फिर एक दिन अचानक उसने उसका मोबाइल चेक किया, शिजान का, जिसमें उसकी गर्लफ्रेंड का कुछ चैट था, पता नहीं, आई डोंट नो क्या था. तो इसने पूछा, शिजान से पूछा कि ये क्या है. शिजान ने टनीशा के थप्पड़ मारा सेट पे, रूम में थप्पड़ मारा. तो वो कहता, तू कर ले जो कुछ करना है, मेरा तेरे साथ कोई रिश्ता नहीं है. आपने एक चीज बोली कि आपकी बेटी को शिजान ने थप्पड़ मारा. आप में से बच्चे होंगे, किसी के बच्चे हैं आपके, किसी के, सबके होंगे. आपको अगर आपका बच्चा आके बोलता है कि मुझे थप्पड़ मारा गया है और सेट पे मारा है या मुझे टॉर्चर किया जा रहा है, आप लोग क्या करेंगे? क्या करेंगे आप लोग? आप लोग इंतजार करेंगे? मेरे घर पे उनका आना जाना था, मेरे घर पे आती थी वो, मुझे फोन करके कह सकती थी, मेरे घर पे डायरेक्ट आ सकती थी वो आती थी मेरे घर के ऊपर. मैं डिनाई नहीं कर रही हूँ, अच्छे से खाती थी, पीती थी, बात करती थी, रहती थी, सब कुछ था उनका. तो जब ये इंसिडेंट हुआ, उन्होंने इंतजार क्यों किया? वो मेरे घर पे क्यों नहीं आए? उन्होंने शिजान को थप्पड़ क्यों नहीं मारा? बिहेवियर में जो चेंजेस आ रही थी टनीशा के, कभी उसकी माँ को अम्मा, उसकी बहन को बोलना, और मुस्लिम अपना धर्म अपनाने की उसको करता था है, और शादी का वादा किया. तो ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए थी उसको, जब उसका किसी और लड़की के साथ था. उसको हमने फोर्स किया, या उसका वो जो हिजाब लेने वाला फोटो जो सर्कुलेट हो रहा है, वो शो का फोटो है, शो की शूट का फोटो है. बात रही आप ही और अम्मा की, हमें यहाँ पे शिजान के या शपथ के जितने भी जानने वाले हैं, दोस्त हैं, वो इनके कॉन्टेक्स्ट में हमें आप ही और अम्मा बोलते हैं. हम हैं आप ही और अम्मा. हम जब किसी, सपोज मैं किसी और अदर कास्ट के फ्रेंड के घर पे जा रही हूँ, माय फ्रेंड इज हिंदू, और मैं उसकी मासी से मिलती हूँ, मैं उनको ऑटोमेटिकली मासी बोलूंगी. इट इज वेरी ऑब्वियस.